देखते हैं, आ रही है। ओ भाई आ रही है, 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 आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो। नहीं 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 अपनी थर्ड पे है ना, गैप बना लिया वापसी। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आए हो सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए भाई। आज है डे 198 हमारे चैलेंज का, और आज बड़े दिनों बाद स्क्वाडा को शक की एक बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस आपके सामने लाए हैं। तो भाई इसी बात पे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो आ गया आज एक और ड्रैग के साथ आपके सामने भाई। उन दोनों की नहीं है, इन दोनों की है, अपनी स्क्वाडा को शाक वर्सेस टाटा हैरियर। आपने पहले भी देखी हुई है, बट भाई ये टाटा हैरियर अब ट्यून हो चुकी है स्टेज वन, और अब जो पावर निकाल रही है ना इतनी मैसिव, 7.5 सेकंड्स में 0 to 100 कर रही है। तो मतलब आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पावर एनहांस हो गई है अपनी को, तो मेरे को जो लग रहा है दिखने भी नहीं देगी। बाकी स्टिल एक बार कर लेते हैं, क्योंकि वेट का भी एडवांटेज काफ़ी है अपने पास। हालांकि ये स्टेज वन ट्यून है तो वैसे तो बनता भी नहीं, बट स्टिल एक बार कर लेते हैं। एंड पावर स्पेसिफिकेशन अब मैं आपको बता दूँ, अपनी सबको पता है 1.0 TSI इंजन के साथ आता है, जो प्रोड्यूस करता है 114 की BHP और 178 Nm का टॉर्क। और ये भाई 2.0 CC के डीजल इंजन, 2.0 लीटर के डीजल इंजन के साथ आता है, जो प्रोड्यूस अब करता है स्टेज वन होने के बाद 195 की BHP और 450 Nm का टॉर्क। मतलब भाई सोच सकते हो जितने की अपना टॉर्क है उससे लगभग 17-18 ज़्यादा, तो इसकी सिर्फ BHP है अब, और टॉर्क तो आप भूल ही जाओ, 450 और 178। तो भाई क्लियरली लग रहा है हैरियर जीते की। बाकी स्टिल एक बार कर लेते हैं थर्ड गियर में, देखते हैं अपनी कुशाक क्या रूप दिखाती है, और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। गाइस आ गया हम कुशाक में, और उसमें भी दो जने हैं हमारे साथ भी, अतीशे भाई आ गए, तो हमारे में भी दो जने हो गए। ट्रैक्शन ऑफ कर लिया मैंने अपना, आइडल स्टार्ट स्टॉप भी ऑफ कर लिया, और हाँ बेल्ट तो पहन ही लेंगे भाई, दोनों में दो दो हो गए। और देखते हैं भाई क्या, अरे हार जाएगी यार, बहुत डिफरेंस आ गया। तो पहले में मैंने अपना ट्रैक्शन ऑफ कर लिया है, एसी भी ऑफ कर लिया है, ट्रैक्शन और एसी ऑफ कर लिया मैंने। इसका स्पोर्ट्स मोड है, हाँ, एसी ऑफ है, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑन ही रहता है, ठीक है। तो करें फिर, हाँ। तो गाइस अब हम कर रहे हैं अपना राउंड वन स्टार्ट, और मैंने अतीश भाई को फोन पकड़ा दिया। आप लोग बोलो, ट्रैक्शन लूज हुआ, ट्रैक्शन लूज हुआ पर लॉन्च ठीक था हमारा, पर हैरियर भाई, भाई स्टेज वन ट्यून यार, परफॉर्मेंस का फर्क तो पूरा पूरा है, फर्क तो है ही ना, देखो कितना गैप भाई, पर आगे और गैप नहीं बना पा रही वो, हाँ मतलब कांस्टेंट गैप है, हाँ तो अपना 1 लीटर भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है भाई। स्टेज वन ट्यून हो चुकी है भाई, भाई पहले राउंड की क्लियर विनर टाटा हैरियर स्टेज वन ट्यून्ड। स्टॉक में हमने दिखने भी नहीं दिया था, और ट्यून के बाद इसने हमें नहीं दिखने दिया, तो फर्क तो है ही भाई। पर अगर हम बात कर रहे हैं 1000 CC वर्सेस 2000 CC, हाँ उतना फर्क नहीं लग रहा, हाँ 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 राइट राइट राइट, डबल का फर्क उतना नहीं, राइट। बोले कि रोलिंग करे ने, टॉर्क बढ़ गया 450, फिर भी कर लेंगे, हाँ क्लियर विनर भाई टाटा हैरियर। ना ना बस वो ट्रैक्शन, ट्रैक्शन लूज हुआ था बट तब भी क्लियर विनर हैरियर ही है यार। तो एक गले को उधर भेज दो, हाँ मैं चलो आ जाओ, हाँ अतीश भाई उधर चले जाते, हाँ हाँ अतीश भाई उधर जा रहे हैं, और फिर 3v1 करेंगे, उसमें तीन जने हमारे में एक जना, देखते हैं क्या फर्क रहता है और क्या नहीं, देखते भाई डिफरेंस आएगा या नहीं। मेरे को तो नहीं लग रहा आएगा, क्योंकि डीजल है, आप डीजल में जितने भी जने बिठा दो इतनी नहीं दबती जितनी पेट्रोल दबती है। अगर हम कंपेयर करें दबने वाइज जने बिठाने में, तो डीजल कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, सॉरी पेट्रोल थोड़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो सेकेंड राउंड करते हैं, उसमें अब तीन है हमारे में एक ही है, देखते क्या फ़र्क रहता है। जिता दो यार कुछ आपको देखते हैं भाई, 3, 2, 1। अब अपनी लॉन्चिंग परफेक्ट होगी भाई, देखते आ रही है। ओ भाई आ रही है, 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 आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो। नहीं 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 अपनी थर्ड पे है ना, गैप बना लिया वापसी, ब्रेक ले रहा हूँ मैं भाई, नहीं आ पाती क्योंकि तीन है ना,
और हमारे में एक है। बाकी अपनी लॉन्चिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है, ये बात भी याद रखना सब। हाँ भाई लॉन्चिंग इस बार बहुत परफेक्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ 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 नहीं पहले वो कवर बना रही थी बट ये वापस आगे निकल रही थी। हाँ 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 एक और 1v1 करते हैं गाइस, दोनों में एक एक है, सही क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब ये सबसे फेयर राउंड होगा, टाटा हैरियर और स्कॉडा कुशाक, टाटा हैरियर ट्यून, स्कॉडा कुशाक स्टॉक। गाइस अब अपना थर्ड राउंड, कुशाक वर्सेस टाटा हैरियर। थ्री टू वन, फिर से अपना ट्रैक्शन लूज हुआ गाइस, टाटा हैरियर आगे। नहीं भाई वही है, फेयर में हैरियर है यार, ट्यून्ड है ना तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये देखो कितना गैप बना लिया, लगभग लगभग 2 cars का गैप है, एंड आपकी हैरियर ही विनर है फेयर में, बिकॉज गाइस ट्यून हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा बस ट्रैक्शन, बट वही है विनर वही है आपकी। एक रोलिंग करे आओ, 20 पे 20 तो रोलिंग करते गाइस। एक तो गाइस करेंगे अब हम एक रोलिंग सेकंड गियर एंड 40 की स्पीड, फिर उसके बाद 3 2 1 ये रोलिंग स्टार्ट। और हैरियर भाई अपनी पावर दिखाते हुए, बट इस बार कोई मेजर गैप अभी तक तो नहीं बनाया, बना लिया पिछली बार से कंपैरेटिवली कम है गाइस। ब्रेक ले लिया उन्होंने, तो भाई आपकी रोलिंग में भी विनर हैरियर ही रहेगी, जस्टिफाइड विनर है गाइस, क्योंकि ना आप सबको पता है अपनी स्टॉक है प्लस 999 cc, अब यार वो 2000 cc है प्लस डीजल है, टॉर्क इतना ज़्यादा, bhp इतनी ज़्यादा, तो अब जर्मन है बट यार इतना थोड़ी ना। यही था, बाकी हम बाहर निकल के कंक्लूड करते हैं गाइस। देख लिए होंगे आपने, हमने कुछ 3-4 round करे और सिर्फ जब हमारे में सिंगल था उसमें 3 थे तभी अपनी विनर रही, बाकी फेयर में एनी डे हैरियर, क्योंकि स्टेज 1 ट्यून हो चुकी है और अब पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है अगर हम स्टॉक से कंपेयर करें तो। बाकी यही थी कुछ ड्रैग रेस, आई होप सब ने एंड तक देखी होगी, अच्छी लगी होगी, हम लोग घर जाके मिलते हैं बहुत जल्दी। तो गाइज आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल भी मत जाना, इंस्टाग्राम का हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके ज़रूर फॉलो कर देना। और अगर कोई भी कार रिलेटेड वीडियो हो, इंक्वायरी हो ड्रैग रेस की वीडियो या फिर ओनरशिप रिव्यू, तो वहाँ पे भी आप मेरे को DM कर सकते हो, हम फॉर श्योर आपका रिप्लाई कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।